ये हो चुका अपने पास दूसरा फॉर्मूला मोल्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इसको अपन सिंपली देखो, आपसे इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको शॉर्ट में अपन लिखते कैसे हैं इस वाले फॉर्मूले को, W बाई कैपिटल M। W का मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल और कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास। तो आपको मोल्स का ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा आपसे, W बाई M मतलब क्या हुआ, मास ऑफ पार्टिकल इन ग्राम, ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली मेंशन मैंने किया कि इन ग्राम्स होना चाहिए, ठीक है, और मोलर मास इन ग्राम पर मोल। फटाफट बताइए कि सर इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया, नोबल बाउंसर जा चुका है, ठीक है, फटाफट बताइए कोई समस्या है इसमें, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी देखो, अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोला, मतलब ये अजम्पशन ले सकता हूँ सर। ओके सर, साउंड नहीं आ रही है, बेटा किसको साउंड नहीं आ रहा है? ओके चलिए ठीक है, ओके तो साउंड क्लियर है, अब अपन बात करते हैं, ये फॉर्मूला क्लियर है। तो अब से अपना फंडा है, वो फंडा ये है कि ये दोनों फॉर्मूला अपने को रट्टा मार के याद रखना है, बिल्कुल रट्टा होना चाहिए, मतलब ऐसा हो जाए कि कोई सपने में पूछ ले कि सर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फटाक से बोल देना है फॉर्मूला जो होता है, अगर मास के टर्म में बात किया जाए तो मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई मोलर मास, और अगर नंबर के टर्म में बात किया जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 × 10^23। हाँ जी अभी तक में कोई समस्या है तो फटाफट बताइए कि सर समझ में नहीं आया, खोपड़े में नहीं गया है, कोई कुछ नहीं बोला, मतलब ये अजम्पशन ले सकता हूँ कि सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है मैं इसको रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट आ रहा हूँ, ठीक है। सर हम आपने एक फॉर्मूला बताया अभी जिसमें नीचे लिखा था मोलर मास, तो सबसे बड़ी चीज है कि सर मोलर मास क्या होता है, ठीक है। तो मोलर मास के बारे में मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मोलर मास होता है क्या, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अपने को दिया हुआ है भैया मोलर मास, क्या होता है मोलर मास, तो देखो सिंपल सा डेफिनेशन है मोलर मास का, क्या है, ठीक है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस If it is taken one mole, ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर वो आपने वन मोल ले ली है तो उस वन मोल का जो मास होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग में जो लिखवा दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्वल्स टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और आयोनिक मास। अब ये कुछ जादू सा सच लग रहा होगा कि सर पता नहीं आपने क्या लिखा दिया है, तो इसको मैं समझा दूंगा फटाक से कि इसका मतलब क्या है, देख के लग रहा है बड़ा सा स्टेटमेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज यूनिट, और यूनिट जो इसका होता है वो होता है ग्राम पर मोल, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, तो ध्यान रखिएगा इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये बोला क्या कि इक्वल्स टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक मास, मतलब मोलर मास जो होता है वो बराबर होता है किससे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक मास का। अब ये पता नहीं क्या चीज है सर, आपने क्या जादू बता दिया, तो देखो मैं फटाफट इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, अपने को दे दिया वाटर भाई साहब, बोला कि बताइए इसका मोलर मास क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MM मोलर मास, ठीक है। कैसे निकालना है, पीरियडिक टेबल पकड़ लो, ठीक है, और पीरियडिक टेबल में अपने को पता है वहां पे मास दिया हुआ होता है, अगर किसी को नहीं याद है तो मैं फटाफट बता रहा हूं कि वहां पे मास दिया होता है। आप कैसे पहचानोगे, जैसे अपन ये हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर में एक नंबर लिखा होता है, नीचे में एक नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो ऊपर में भी हाइड्रोजन में 1 और नीचे में भी 1 लिखा होता है, लेकिन ऑक्सीजन में देखोगे तो ऊपर में 16 और नीचे में 8 लिखा होता है, तो ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ना इसी को हम बोलते हैं इसका मास नंबर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना अपने को, पीरियडिक टेबल से इन नलायकों को पकड़ो, बहुत लोग बता रहे हैं सर, प्राची बता रही है और बहुत लोग बता रहे हैं कि सर इसका मास ये होता है, इसका मास ये होता है, ठीक है।
तो कुछ करना नहीं अपने को। बिल्कुल आसान सा काम क्या है कि इसमें जितने एटम्स हैं उन सब एटम का मास अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ऐड कर लो, ठीक है। और लास्ट में यूनिट बस लगा लेना, यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम पर मोल। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट आपको लगाना है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ, हाइड्रोजन का मास क्या लिखा होता है ऊपर में, बहुत लोग बोल रहे हैं सर क्या फर्जी सा चीज पूछा, बट ठीक है अपन बेसिक से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो 1 + 1 दो हाइड्रोजन का मास। ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर, 16 होता है, तो +16 ये कितना हो गया सर, 18 हो गया। यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से आते हैं, और इसी तरीके से आपके पास मैं दे रहा हूं NaCl का निकाल के बताइए, नेक्स्ट NaOH का निकाल के बताइए, H2SO4 का निकाल के बताइए, फटाफट। इन तीनों का मोलर मास बेटा, तीनों दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है इन तीनों का मोलर मास, आप फटाफट कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए जनता, फटाफट सर 2 मिनट का काम है, बिल्कुल हम झट झट कर लेंगे, कीजिए फटाफट। ओके बेटा, जिसका भी नाम जो है वो आपके फोन के नेम से आ रहा है, फोन का मॉडल का नाम से आ रहा है, तो भाई वो तुम्हारा नाम थोड़ी है, वो तो फोन का नाम है। पढ़ कौन रहा है, तुम पढ़ रहे हो कि फोन पढ़ रहा है? सर हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा नेम भी किसका होना चाहिए, अपना होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा जिसका जिसका भी नेम फोन के मॉडल के नेम से आ रहा है, वो प्लीज अपना अपना नेम चेंज कर लीजिए, ठीक है। वरना ऐसा नहीं हो किसी का लिख के आएगा गैलेक्सी ये, आईफोन ये, MI ये, जो भी कंपनी होती है ये, तो वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी बहुत लोगों ने मैसेज किया है, हाँ जी चलिए ठीक है। तो बहुत लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, मैं आता हूं इसके आंसर पे, ठीक है। चलो NaCl का बहुत लोगों ने बताया सर Na का मास कितना होता है सर, 23 लगभग, देखो एग्जैक्टली 23 नहीं होता मास नंबर, 22 पॉइंट समथिंग होता है, बट अपन मान सकते हैं दैट इज 23, ठीक है। तो इसका हो गया 23, ठीक है 23। ओके क्लोरीन का सर कितना होता है, तो सर क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है 35.5 भी अपन लेते हैं, तो दैट इज 35.5, ठीक है। इसको ऐड करने पे सर कितना आ रहा है, तो आ जा रहा है 58.5, यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं NaOH, NaOH का बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ दैट इज 40। कोई ऐसा हो जिसको समस्या हो कि सर समझ में नहीं आया, तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है ठीक है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो बोलो कि सर समझ में नहीं आया, तो फटाफट मैं बोलूंगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी निधि, निधि बोलिए सर समझ में नहीं आया, ठीक है। बेटा Na का मास कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। तो Na का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, तो ये कितना हो गया 40, चलेगा। ये 40 आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे तीनों को ऐड करो तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा, ठीक है। H2SO4 का करते हैं कितना आएगा, सर H2SO4 के लिए सेम कहानी, हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन है तो 1 + 1, सल्फर 32,
ऑक्सीजन कितना 16, तो 16 × 4 दिस विल बी 98 ग्राम पर मोल। किसी को इसमें समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, मोलर मास निकालना, जल्दी बोलो समस्या है तो, जल्दी बोलो फटाफट बोलो सर समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, किसी को इसमें समस्या है? चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने मोलर मास निकालने सीख लिया कि भाई साहब मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ फटाफट कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको मोलर मास निकालने आ चुका है तो आपको इन सब के मोल्स निकालने। कैसे मोल्स निकालने? सर मोल्स का फॉर्मूला क्या है? आप फर्जी सी बात करते हो। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास बाई मोलर मास, सिंपल यही लगाना है और आपको मोल्स निकालने, ठीक है। कुछ 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 कंपाउंड्स दे रहा हूँ यहाँ पे जिसका मास दिया हुआ है, आपको उनके मोल्स निकालने। एक एग्जाम्पल में करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो तो एक एग्जाम्पल मेरे को दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, H2 है, 10 ग्राम ऑफ H2 है, बोला है बताइए इसके मोल्स कितने होंगे, कैलकुलेट मोल्स, ठीक है। बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, ठीक है, बट स्टिल मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, तो मास बाई मोलर मास। मास आपको कितना दिया है सर? 10 ग्राम दिया है, तो मास आपको पता है कि 10 ग्राम है, और मोलर मास हाइड्रोजन कितना होगा सर? 2 होगा, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, यूनिट में मैं नहीं बात कर रहा क्योंकि ग्राम और ये दिया हुआ है, तो 10 डिवाइड बाई, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, दैट इज 5 मोल, ठीक है, चलेगा। तो आप सीधे इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 मोल आपके पास आ गया। तो अब से आपके पास यही तरीका है मोल्स निकालने का, ये मोल्स निकाल लेना है कैसे। मोलर मास इसका कितना होता है? 2 होता है, मास दे दिया 10 ग्राम, 10 बाई 2 कर लिया, 5 आ गया। कोई ऐसा है जिसको लगता है सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया, नोबल बाउंसर जा चुका है? कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है? ओके साकी बोला है सर 5, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जादू किसी को नहीं हुआ सर, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल फर्जी सा है, फर्जी मतलब आसान सा है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा, कोई समस्या नहीं है। मैं स्टिल वेट कर रहा हूं 10 सेकंड के लिए कि कोई ऐसा है जो ये बोलने वाला है कि सर समझ में नहीं आया मेरे को, दोबारा बता दो ये। प्राची बोले सर क्या आप भी बोल रहे हो, मतलब ये चीज ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे थोड़ी है जो हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अब मैं फटाफट आपको कुछ और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे, फटाफट इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको मोल्स निकालने हैं। पहला है 16 ग्राम O2, दूसरा है 49 ग्राम H2SO4, तीसरा है 8 ग्राम HE, ठीक है, एंड चौथा है 0.18 ml H2O। करो फटाफट इसको सॉल्व, ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप इन सबको फटाफट बेटा सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आंसर्स आपको ऐसे देना है, ठीक है। आप जब आंसर मैसेज कीजिएगा तो बोलिएगा ए डैश देखे जो भी आपका आंसर आया, फिर बी डैश देखे जो भी आंसर आया, सी डैश देखे जो भी आंसर आया, डी डैश देखे जो भी आपका आंसर आया, ठीक है। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को पता है सब में मोल्स निकाले हैं, तो मोल्स ही यूनिट रहने वाला है। हाँ जी करो फटाफट,
ओके, बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं, रिवांश, प्राची, बहुत लोग का आंसर आ रहा है बेटा। बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, फटाफट दिए जा रहे हैं। हाँ जी, ओके, बहुत लोग, निधि, रिवांश, बहुत लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ फिर भी, बहुत लोग का जिन लोगों ने आंसर अभी नहीं दिया है, ठीक है, स्टिल वेटिंग बेटा, फटाफट आप आंसर दे दीजिए। फटाफट आप आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया है। हाँ जी, ओके, चलो ठीक है, ओके, बात करते हैं अपन आंसर पे, ठीक है। सबसे पहला सर, 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2, ये तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 16 ग्राम ऑफ O2 के बारे में, मोलर मास O2 का कितना होगा सर? मोलर मास O2 का कितना होगा? 32 होगा। कैसे होगा? क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 32। डन है? कोई ऐसा जो बोलना चाहता है सर, समझ में नहीं आया मोलर मास कैसे आपने निकाल दिया 32? चलो ठीक है, तो इसका मोलर मास चुकी है 32, मैं यहाँ पे मास दिया हुआ मेरे पास 16, तो 16 डिवाइड बाय 32 दैट विल बी हाफ, तो अपने पास ए का आंसर कितना आएगा सर? हाफ आएगा। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर, समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है समझ में नहीं आया? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बी, H2SO4 49 ग्राम, ठीक है, 49 ग्राम मास दिया है, मोलर मास इसका कितना होगा सर? सर हाइड्रोजन का होता है 1, अभी जस्ट भी निकालता, सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन कितना होता है सर? 16, सबको जोड़ते हैं तो आता कितना है? 98, सॉल्व करके देखो कितना आएगा? 98, ठीक है, तो 49 डिवाइड बाई 98, मैं बी के लिए बोल रहा हूँ, 49 डिवाइड बाई 98, मतलब ये भी कितना हो गया? 1/2, ठीक है, तो बी का भी आंसर कितना आ गया? 1/2। हीलियम पे बात करते हैं, हीलियम का मास कितना होगा सर? 4 का मास कितना दिया? हीलियम का मोलर मास कितना होगा? 4, मास कितना दिया? 8 ग्राम, 8/4 कितना हो गया? 2, तो आपके पास मोलर मास कितना आ गया? 2, सॉरी मोल्स कितना आ गए? 2 आ गए, चलेगा, ठीक है। इस पे आते हैं 0.88, ये वाला जो लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन है, डी वाले का बताया आंसर कितने लोगों ने किया? फटाफट बताओ सर, डी वाले का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो डी का आंसर। 0.18। बेटा बेटा, किसी का ऑडियो ऑन है, आप ऑफ करके बोलिए। किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए फिर बोलिए। फटाफट बताइए आंसर, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं।
हाँ जी चलो ठीक है ओके। साकिब बोला है सर 0.9, देखते हैं। ओके अभिनव बोल रहा है सर 0.01। ओके अमृत बोल रहा है 0.01। प्राची बोल रही है सर 0.1। ओजस्वी ओजस्वी बोल रहा है सर 0.01। निधि बोल रही है सर 10। बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग आंसर दिए, तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है चलो। ओके गुलमेहर बोल रही है सर 0.01, ठीक है। सिद्दीकी 0.01, ठीक है। ओके देखते हैं, और भी देखते हैं भाई, वेट ही कर लेते हैं, देखें जरा और किसी के क्या क्या आंसर आते हैं। चलो ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां तक मिटा रहा हूं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक अलग तरीके का, थोड़ा अलग तरीके की चीज लगानी है, तो उस पर बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अपने को मोल्स निकालने के लिए मास चाहिए, लेकिन मास तो दिया नहीं है अपने को, तो दे दिया यहाँ वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दिया है 0.18 ml, ठीक है। देखो एक चीज अपने को बचपन में पढ़ाई जाती थी कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 g/ml। कोई ऐसा जो बोलना चाहता है सर ये चीज हमको पता नहीं है, कोई ऐसा जो बोलना चाहता है सर ये चीज हमको पता नहीं है? चलो ठीक है, सबको पता है सर डेंसिटी जो होती है वो कितना होता है 1 g/ml, ठीक है। तो अब डेंसिटी को अपन लिखते क्या है सर, डेंसिटी को लिखते हैं रो, और रो कितना होता है, तो सर रो होता है मास, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, यही होता है। अपने को डेंसिटी पता है कि 1 g/ml होता है, और वॉल्यूम अपने को दिया है, मास नहीं बता सकते सर, बता तो सकते हैं ना। मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। रो कितना है तो 1 g/ml, ठीक है। और ये कितना दिया अपने को 0.18 ml, तो ये ml ml कट गया, क्या बचा ग्राम, तो कितना ग्राम बचा 0.18 ग्राम। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर 0.18 ग्राम नहीं होगा, मेरे को समझ में नहीं आया, फटाफट बताओ। कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि सर 0.18 ml, 0.18 ग्राम नहीं होगा, कुछ और होगा, मेरे को समझ में नहीं आया। क्या बात करते हो सर, ऐसी ऐसी चीजें तो मैं हम यूं यूं चुटकी बजाया कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो अपने पास मास आ चुका है, दैट इज 0.18 ग्राम, ठीक है। मोल्स पे बात करते हैं, मोल्स क्या होता है भैया, सर क्या फर्जी सी बात है, मास भाई मोलर मास होता है। मोलर मास H2O क्या होगा सर, ये तो याद हो गया अपने को, 18 होता है, ठीक है। तो डेटा मैंने बिल्कुल उसी के हिसाब से दिया था, तो 0.18 / 18 कितना होगा, ये डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.18 / 18। बहुत लोगों का गणित यहीं पे टेस्ट हो जाएगा। मीनू बोल रही है सर 0.001, सिद्दीकी 0.01, नहीं सिद्धि सॉरी, सिद्धि बोल रही है 0.01, अभ्यादित्य बोल रहा है 0.1, रिवांश बोल रहा है 0.01, मीनू, अच्छा मीनू ने चेंज कर लिया अपना जवाब, ठीक है। वो जनता वो अपना पार्टी बदल दी है, वो 0.01 बोलने लगी है। अभ्यांश 0.01, ठीक है। ओजस्वी 0.01, फाइन फाइन फाइन, चलो बहुत जनता अपना जवाब बदल चुकी है, ठीक है चलो। ओके तो ये कितना हो जाएगा सर 0.01 हो जाएगा। अपने पास वाटर कितना, वाटर का मोल्स कितने आ गए सर 0.01 आ गए। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया है, खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है, वाटर के मोल्स कैसे निकालते हैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी सारी जनता से पूछ रहा हूँ, फटाफट बताओ कि सर इतने में समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर नहीं आया समझ में, कोई ऐसा है? नहीं है सर, ठीक है। सिद्धि बोले सर कोई समस्या नहीं आया। ओके अर्चना बोले ठीक है फाइन। देखो अपने को ml में मतलब वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम दिया था, मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया। अपने को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अपने को डेंसिटी पता है वाटर का 1 g/ml होता है। अब देखो वाटर का जो डेंसिटी है 1 g/ml, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन चूंकि मैंने इस क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं था, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि चलो ठीक है सर यहाँ तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। 1 g/ml या 1 kg/l, दोनों ही उसका बात बात सेम ही है, कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, बस वो लीटर में है और केजी में, ये ग्राम और एमएल में है, ठीक है। ये 1 g/cc भी लिखता है, सेंटीमीटर क्यूब, बात क्या है बिल्कुल सेम है, 1 g/cc, 1 g/ml या 1 kg,
पर क्लिटर, तीनों ही कहानी बिल्कुल चलती है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अपन कि सर निकालें कैसे। तो देखो, निकालने का तरीका अपने पास क्या है कि अपने को डेंसिटी निकालना है, तो अपने को मास चाहिए। मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, अपने को मास चाहिए, ठीक है। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, मास बराबर वॉल्यूम को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम इनटू क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है। वॉल्यूम 0.18 था, डेंसिटी अपने पास 1 ग्राम पर ml था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0.18 ग्राम आ गया, ठीक है। अब बस 0.18 ग्राम आ गया, मास अपने को पता चल गया, तो मास पर मोलर मास लगा दिया, ये ग्राम पर मोल, ठीक है। ये कट गया दोनों, मोल्स अपने पास ऊपर आ गए, तो अपने पास कितना आ गया, 0.01। चलेगा? अभी भी कोई ऐसा है जिसको समस्या है इसमें, सब समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है अभी भी जो बोलना चाहता है, सब समझ में नहीं आया? नोबल बाउंसर जा चुका है अपने, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया अभी भी? लग रहा सर पता नहीं क्या ही जादू हो गया है। अच्छा, वीडियो पॉज हो गया था, हो सकता है बेटा थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि छपरा में अपने पास इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो, सो जस्ट चिल। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ऐसा हो जाए कि स्किप हो जाए तो पूछना कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अब हमने मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। अभी वीडियो आ रहा है सही से? जादू हो गया यार, वीडियो नहीं आ रहा है क्या सही से? अभी भी पॉज है? नहीं सर, पॉज तो नहीं है, ठीक है। ओके फाइन, चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक फॉर्मूला पढ़ा मास के रिस्पेक्ट में, एक फॉर्मूला पढ़ा नंबर के रिस्पेक्ट में, अब हम दोनों को एक साथ लेके आते हैं, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन 46 मिलीग्राम ऑफ सोडियम बार, ठीक है। बोला क्या है कि अगर मेरे पास 46 मिलीग्राम का सोडियम बार है, मतलब समझ लो इतना छोटा सा मेरे पास क्या है, सोडियम का मेटल है, ठीक है। सोडियम मेटल का मतलब इतना छोटा सा एक बार है, बार कह लो या जो भी बोल लो उसको, ठीक है। तो एक छोटा सा मेरे पास उसका कट है सोडियम मेटल का, वो बोला है कि उसका मास जो है वो 46 मिलीग्राम है, तो बताइए उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब सर आपने मास से मोल निकालना सिखाया था, नंबर तो निकालना नहीं सिखाया था, कैसे निकालेंगे बेटा? मास का यूज करके क्या निकाल सकते हो, मोल्स, और मोल्स जब निकाल सकते हो तो नंबर भी निकाल सकते हो, कैसे? पुराना वाला फॉर्मूला लगा के। कैसे पुराना वाला फॉर्मूला? मोल्स बराबर क्या होता था, नंबर बाई एनए होता था। तो अपने को मास से निकाल लिया मोल्स, और मोल्स से पुराना वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो वहां से क्या आ गया, नंबर आ गया। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट, ठीक है। अपन 2 मिनट का टाइम लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी। हाँ गुलमेहर बोले बेटा। ओके, आरिज ने सॉल्व कर लिया है, कुंदन ने सॉल्व कर लिया, मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, बट सॉल्व कर लिया ये तो पता है। दिव्यांशु ने कर लिया, मुझे सबसे जवाब चाहिए, सबसे सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चार को का आंसर आ गया बस हम खुश हो गए एकदम अपने एकदम देसी स्टाइल में, चार को का आंसर आ गया। चलो करो इसको सॉल्व बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। किसी भी दो या तीन बच्चे से नहीं होना है, पूरी क्लास के आंसर चाहिए मेरे को। ओके, अभ्यादित्य ने सॉल्व कर लिया, कुंदन कुमार ने सॉल्व कर लिया, अमृत राज ने सॉल्व कर लिया। आंसर सही है कि नहीं ये मैंने नहीं बताया, बस सॉल्व कर लिया मैं ये बोल रहा हूं।
प्राची, गुलमेहर, अभिनव। अभिनव है या अभिनव है? अभिनव होता है, अभिनव होता है, मतलब मैंने जो नाम सुना है वो अभिनव सुना है। चलो ओके। सिद्धि, आदित्य, बहुत जनता सॉल्व कर रही है यार, बहुत जनता सॉल्व कर चुकी है। चलो ठीक है, मेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि चलो बहुत जनता ने सॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत लोगों ने एक गलती, मेरे को कॉमन सी गलती लगी है जो सब लोगों ने की है, बहुत लोगों ने की है, सबने नहीं की है, रिवांश ने कर लिया, कुंदन ने, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक की है। ठीक है चलो, अपने को यहाँ मास दिया है तो पहले तो मोल्स निकाल ले सर। ठीक है, तो मैं मोल्स निकालता हूँ। मोल्स का मैं फॉर्मूला क्या होता है सर? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। मास दिया है 46। बेटा ये 46 के साथ क्या दिया है? मिलीग्राम दिया है। बहुत लोगों ने यूनिट कन्वर्ट नहीं किया है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा गए हैं। ठीक है बेटा, मिलीग्राम दिया है। आप ध्यान रखिए कि यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। मैंने 10 बार बोला है ग्राम में यूज करेंगे फॉर्मूला, मिलीग्राम केजी में नहीं यूज करेंगे। केजी ऐसा यूनिट होता है, बहुत लोग ये लगता है कि सर केजी होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ग्राम यूज होता है। मोल्स के लिए हमेशा ग्राम, एकदम खोपड़े में यहाँ सेट कर लो, मोल मतलब ग्राम, कुछ और बात ही नहीं करना अपने को। ठीक है, तो यहाँ 46 मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूं कह दो 1000 से डिवाइड करना पड़ा। तो 46 × 10^-3 डिवाइड बाई 23, क्योंकि अपने को पता है मोलर मास सोडियम का कितना होता है सर? 23 होता है। ठीक है, यूनिट्स नहीं लिख रहा, कोई समस्या अपने को नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास आ चुके हैं मोल्स, कितने मोल्स हैं। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का सर? मोल्स का जो दूसरा फॉर्मूला वो होता है नंबर बाई एनए। अब बहुत लोग इसको यही सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ क्यों सॉल्व करूँ, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, आगे भी ले आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मोल्स ये दोनों क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे बगल में लिख लेता हूँ, 46 × 10^-3 डिवाइड बाई 23 इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 6.022 × इधर नहीं दिख रहा है क्या? चलो मैं इस साइड लिखता हूँ उसको। ठीक है, उस साइड के बजाय इस साइड लिख लेते हैं। हाँ, तो मैं इस साइड लिखता हूँ मोल्स, मैं इस साइड लिख रहा हूँ पूरा इक्वेशन। अपने को पता है कि दोनों मोल्स क्या होने वाले, बराबर होने वाले हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ नंबर बाई 6. दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो नंबर बाई 6.022 × 10^23 इक्वल्स टू 46 × 10^-3 डिवाइड बाई 23। अब यहाँ से नंबर निकल जाएगा, फटाफट बताओ मुझे कि यहाँ से नंबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ सर, नंबर निकल जाएगा। नंबर कैसे निकलेगा? इसको ले आकर उधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 times, और इधर ले आकर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 12.044 × 10^20। तो बहुत लोगों ने ये 10^23 बोला था, जो कि बेटा गलत था, क्योंकि आप लोगों ने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था। इतने में किसी को समस्या है, समझ में नहीं आया तो फटाफट बताओ, ये अपने पास आंसर हो गया। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, खोपड़े में नहीं गया, कोई ऐसा है? ओके, भारती बोलिए सर, क्लियर है? ठीक है, नहीं सर क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा बेटा, हो सकता है वीडियो का कोई इशू, कोई समस्या वीडियो के रिगार्डिंग, तो दिक्कत हो रहा। चलो यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समस्या है, खोपड़े में नहीं जा रहा है, नोबल बाउंसर जा चुका है। कोई ऐसा जो ये कहना चाहता है सर नोबल बाउंसर जा चुका है और यॉर्कर से हम बोल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल खोपड़े में नहीं जा रहा है? प्राची बोल रही है सर आ गया। ठीक है गुड, देखो मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आ गया सर ठीक है अब आ गया तो काम चला लेते, नहीं मजा आना चाहिए कि लगे कि यार हाँ सॉल्व किए, मजा आया। चलो ठीक है ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फाइन, मीनू बोलिए। चलो बेटा रिपीट करता हूँ, मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मास बाय मोलर मास, मास ग्राम में कितना दिया था? मिलीग्राम में, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो 46 × 10^-3 डिवाइड बाय 23। तो ये मैंने लिख लिया, ये मोल्स का फॉर्मूला। अब यहाँ जो मोल आएगा वो दूसरे फॉर्मूले से भी वही आएगा, क्योंकि सोडियम की बात की जा रही है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर बाय एन ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला नंबर बाई एन ए, और ये जो ऊपर से आया, दोनों मोल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और अपने पास ये आ गया। बहुत लोग ऐसे सीधे लिख लिए होंगे नंबर बाई एन ए, देखो बहुत लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किए होंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखे होंगे, आप चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो, नंबर बाई एन ए इक्वल्स टू, ऐसे इसको बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा रहेगा, W1/W/m। W क्या है? मास। M क्या है? मोलर मास मैंने बताया था, नंबर पता है, एन ए पता है, आपको ये दिया है
ये आप निकाल सकते हो, ये आपको पता होता है, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो डायरेक्टली ये इक्वेशन भी लगा सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इसको देखो और इस वाले को देखो तो बात क्या है, सेम ही है। बेवकूफ बनाने का बस तरीका है, अपन बच्चे लोग हैं तो थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा अपने को, ये सब हो सकता है समझने में, थोड़ा फास्ट नहीं है, बट टाइम के साथ ये आप डायरेक्टली लगाने लगोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे जेई ने एक बहुत पुराना, जो जब ये AI ट्रिपल ही होता था, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उस तरह का एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक है, 9 ग्राम H2O। 9 ग्राम H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था JEE का, जब AI EEE होता था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, बट डेटा उसमें थोड़ा सा चेंज था, वो ग्राम के बजाय उसने मिलीग्राम यूज किया था, मैंने ग्राम यूज कर लिया, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो। ठीक है, हाँ, एक चीज यहाँ पे और भी गिवन थी, सॉरी, ये ML है, माय बैड, 9 ML ऑफ H2O, ठीक है, और डेंसिटी उसने दे दिया था 1 ग्राम पर CC, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया था। हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9 ML ऑफ H2O, 9 ML H2O में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपको एक साथ लगाने, आराम से लगाइए, सॉल्व करके बताइए। वीडियो नहीं आ रहा है क्या? कौन बोल रहा है सर? वीडियो फ्रीज हो गया बेटा, हो सकता है, नहीं अभी मेरा नेट अच्छा चल रहा है, किसी आपका नेट हो सकता है साथ थोड़ा स्लो हो गया हो, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि वीडियो सही आ रहा है। हाँ ठीक है, ओके, सिद्धि ने सॉल्व कर लिया है, देखते हैं बेटा। मैंने ये नहीं बोला है किसी को कि आंसर सही है गलत है, बस सॉल्व कर लिया, तो बस मैं बता रहा हूँ कि हाँ किसने सॉल्व किया है। रिधिमा सिंह को, हाँ रिधिमा ने भी सॉल्व किया है, 3 × 10^24, ओके, देखते हैं किसका सही है, किसका कुछ गड़बड़ी आ रहा है। ओके, अभिनव ने बोला है सर 3.011 × 10^20, ठीक है, ओके, अमृत बोल रहा है 3.011 × 10^23, आद्या बोल रही है 3.055 × 10^24, आरिज बोल रहा है 3.011 × 10^23। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बस अभी आप लोगों ने जो आपको जो मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, उसका भी थोड़ा आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, निशान बोल रहा है 9 × Na इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्वेश्चन ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, और मुझे लगता है अभी तक में बहुत लोगों ने गलत आंसर दे दिया है इसका, बहुत लोगों ने, बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिन लोगों ने सही आंसर दिया है। तो बेटा जिनका जिनका आंसर जो जो आया है, आप एक बार फिर से उसको सोचिए, देखिए कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो सही है या नहीं है। बहुत लोगों ने इसका जो आंसर दिया वो बेटा गलत है, मैं सबको नहीं बोल रहा, बहुत लोगों को बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुतों ने सही भी आंसर दिया है, हो सकता है बहुतों ने गलत भी आंसर दिया। आद्या बोल रही है सर 3.011 × 10^24, अमरजीत बोल रहा है, चलो ठीक है, ओके, रिधिमा बोल रही है 3. अच्छा चलो ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं अपन फटाफट।
देखो अपने को क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, अपन मास बता सकते हैं सर। मास तो बताने के लिए क्या है, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मास का डायरेक्टली यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्योंकि अपने को पता है कि मास कैसे निकाल सकते हैं। तो अपने को पता है कि मास बराबर क्या हो जाएगा, तो सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, कोई समस्या अपने को नहीं है। वॉल्यूम अपने को पता है, डेंसिटी अपने को पता है, तो अपने को तो डायरेक्टली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किए थे कि दिख रहा था यार कि 9 ml होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पुट कर लिया 1 × 9 ml, तो कितना आ जाएगा, 9 ग्राम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फटाफट कि मास जो है वो मास कितना आ गया, 9 ग्राम। मास जब 9 ग्राम आ गया तो मोल्स निकालते हैं, मोल्स कितना हो जाएगा सर, तो मोल्स हो जाएगा 9/18, क्योंकि मोलर मास अपने को पता है 18 होता है, और अपने को मास कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम दिया हुआ है। और अभी जस्ट मैंने बताया था यहाँ, ये चीज डायरेक्टली आप लगा सकते हो कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है सर, मोल्स इक्वल टू एक और भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, नंबर डिवाइड बाई एन ए, ठीक है। तो मोल्स मैंने 9/18 लिख लिया, अपने को नंबर चाहिए था, पार्टिकल्स का नंबर चाहिए, तो नंबर डिवाइड बाई एन ए लिख लिया। तो अपने को ये जो नंबर आया है, नंबर क्या आएगा, ये देखो तो 1/2 हो गया, और एन ए को लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्टली 6.022 × 10⁻²³ × 1/2, मैंने एन ए को लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व। तो अब देखो इसको ध्यान दो, तो ये जो डिवाइड करोगे तो कितना आ गया सर, 3.011। तो 3.011 × 10⁻²³, बहुत लोगों ने ये आंसर दिया है 3.011 × 10⁻²³। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये जो नंबर आया किसका आया, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आया। आपने मोल्स किसका निकाला भैया, तो मास रखा है H2O का, तो मोल्स भी तो H2O का आएगा, ठीक है। तो मास रखा है H2O का, तो मोल्स भी तो H2O का आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी किसके आएंगे, तो सर H2O के आएंगे, इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब अपन आते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अपने को पता है कि H2O इतना है, अब इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, लास्ट का स्ट्रक्चर याद करो जिसको याद नहीं है, ठीक है। नहीं याद है तो मैं साइड में थोड़ा सा बना भी देता हूँ, H2O का स्ट्रक्चर मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको कैसा होता है, कुछ इस तरह की कहानी है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितना होता है सर, 1 होता है। इसमें कितना होता है सर, 1 होता है। एटॉमिक नंबर सिंपली याद रख लो, ठीक है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, पूरे मॉलिक्यूल में हो चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ H2O कितना है सर, नंबर ऑफ H2O इतना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो हम क्या करें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इंटू 10। तो नंबर ऑफ H2O कितना है, 3.011 × 10⁻²³ × 10। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 3.11 × 10⁻²³। फटाफट बताओ इस पूरी कहानी में कोई ऐसा है जिसको कोई पार्ट है जो खोपड़े में नहीं गया, ऐसा लगा होगा सर पता नहीं क्या ही आपने बता दिया, नोबल बाउंसर यॉर्कर सब हो गया आपने लिए। अच्छा कुंदन बोल रहा है सर 5 N है, बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है, 5 N है भी, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। सिद्धि बोलिए सर मोल निकालने के बाद से बताइए, ठीक है बेटा। मोल्स निकाला, मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर बाई एन ए भी होता है, ये फॉर्मूला लगा लिया, तो नंबर बाई एन ए भी लिखा, मोल का दोनों फॉर्मूला होता है। जस्ट पिछला वाला कॉन्सेप्ट याद करो, मोल से हमने क्या, मास से हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला था। मास से हमने क्या निकाला था, सोडियम पार्टिकल के एटम्स निकालते कि सोडियम कितने हैं, ठीक है। तो मास अपने को पता चल गया 9/18, सॉरी मोल्स पता चल गया 9/18 बराबर क्या होगा, नंबर बाई एन ए। तो यहाँ से मैंने नंबर निकाल लिया, नंबर कितना आएगा 9/18 × NA, तो 9/18 × इस NA को उठा के इधर पटक दिया, और 9/18 क्या हो जाएगा, हाफ। तो मैंने यहाँ लिखा है 6.022 × 10⁻²³, ये NA है, इंटू हाफ, 9/18 इज हाफ, तो हाफ लिख लिया यहाँ पे, ये आ गया। अब ये जो आया ये क्या आया, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आए, क्योंकि आपने मोल्स भी किसका निकाला था, H2O का निकाला था, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आए। और आपको पता है कि एक H2O में अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एक H2O में अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपने को नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स पता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। चलेगा सर, 9
ml है, हाँ बिल्कुल 9 ml है ना बेटा, बोला तो था स्टार्ट में ही 9 ml है। चलो ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें जो बेटर क्वेश्चन कह सकते हो, इसमें थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन ये था। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए ठीक है, तो यहां तक बेटा आपके पास कहानी हो चुकी है मोल का बेसिक, कि मोल बेसिकली कैसे निकालते हैं, मोल्स में रिलेशंस कैसे होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मास का, मोलर मास का रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे तरह का मास, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अपन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे तो फिर से करेंगे, बट ठीक है इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास का पहले। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल एटॉमिक मास में पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं। मास ऑफ वन एटम इन एएमयू, पहला बोला है कि मास ऑफ वन एटम इन एएमयू। ठीक है, आप इसको पहले भी पढ़े थे, इसको यू भी लिखते हैं, ठीक है, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं और एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास अगर आप एएमयू में बोलते हो तो सिंपली क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, अब एटॉमिक मास का वो वैल्यू हो गया, बट एटॉमिक मास होता क्या है, तो सिंपल क्या है, मास ऑफ अ एटम। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्टली, मास ऑफ अ एटम, एक एटम का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एटॉमिक मास। ठीक है, अब वन एटम का मास जो अपन एटॉमिक मास यूजुअली यूज करते हैं किसमें यूज करते हैं, एएमयू में यूज करते हैं। ठीक है, अब एएमयू क्या होता है, तो वन एएमयू इक्वल्स टू होता है, ये ध्यान रखना जो अभी लिख रहा हूं, एकदम रट्टा मारा हुआ होना चाहिए, 1.67 होता है, बट उस पर नहीं ज्यादा, इतना भी याद रखो तो काफी है, 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम या 1.6 × 10⁻²⁷ ग्राम या 1/NA ग्राम। तो ये टेबल बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 1 mu इक्वल टू इतना ग्राम, इतना इतना। ठीक है, और नीचे मैं एक चीज और भी लिख दे रहा हूं, मास ऑफ प्रोटोन लगभग लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, और ये कितना होता है सर, 1 mu के बराबर होता है। तो ये टेबल आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि 1 mu होता क्या है, तो सर 1 mu क्या होता है, 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम या 1.6 × 10⁻²⁷ kg, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, kg। ठीक है, ओके, या 1/NA ग्राम या मास ऑफ प्रोटोन इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग होता है, और वो कितना होता है, 1 mu होता है। ठीक है, एक चीज और भी है लास्ट वाला स्टेटमेंट में, बहुत तो इस चीज को देख के थोड़ा सा हो सकता है असंतुष्ट हो, तो एक चीज ध्यान रखेगा बेटा, यूजुअली हम मानते हैं कि मास ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन बराबर होता है, बट आपको स्पेसिफिक कभी करके दे दे न्यूट्रॉन और प्रोटोन के बारे में, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो या तो बड़ा या तो लगभग बराबर मास ऑफ प्रोटोन होता है। मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास यूजुअली तो हम बराबर मानते हैं, बट न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समस्या समझ में नहीं आया। इतने में कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आया बेटा, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, एमयू क्या होता है, एमयू की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और ये अलग 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 इसमें यूनिट्स में है। गुलमेहर सर 3 में क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 में लिखा है मास ऑफ प्रोटोन, P इज प्रोटोन, N इज न्यूट्रॉन, लगभग प्रोटोन और न्यूट्रॉन लगभग इसका होता है, मतलब ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, इक्वालिटी का बस साइन है ये। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है बेसिकली। ठीक है, तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग क्या होता है, बराबर होता है, और होता कितना है, 1 mu के बराबर। ठीक है, चलेगा, कोई समस्या है किसी को? अगर एक चीज और भी, अगर आप इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगभग लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा,
लगभग 1800 होता है, मतलब 1800 गुना मास ऑफ प्रोटॉन से कम होता है। तो मैं ये 1800 लगभग अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1800 वन अपॉन 1800 AMU होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1 अपॉन 1800 AMU, ठीक है। मतलब प्रोटॉन के मास से 1800 टाइम्स कम, याद रखना। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ है, मतलब अगर मास ऑफ प्रोटॉन 1800 केजी होता तो जो इलेक्ट्रॉन होता वो 1 केजी होता। तो 1800 केजी में 1 केजी ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने को पता है कि सर उतने बड़े यूनिट में छोटा सा ऐड करने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस टेबल को ध्यान रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 अपॉन 1800 टाइम्स AMU होता है। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर चला गया। और इस डेटा को याद रखिएगा बेटा, और ये खास करके ये जो रिलेशन है ये बड़े काम की चीज है, 1 अपॉन nanogram। चलेगा? हाँ बिल्कुल, AMU यूनिट है ना बेटा। एटम को, एटम के मास या मॉलिक्यूल के मास को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वही क्या होता है? AMU होता है, ठीक है। यूनिट ही तो है, बोला तो है बेटा, मतलब फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। इसका पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर किसी को समस्या हो तो मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सर 1 अपॉन nanogram का यूज क्या होगा? ठीक है बेटा, आगे आएगा मैं बताऊंगा क्या यूज होगा, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है, बहुत काम की चीज है ये, मैं बता दूंगा आपको आगे क्या होने वाला है। यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, खोपड़े में नहीं गया, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक सेकंड, मैं दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका ऑप्शन चलो ये छोड़ दो, ये नहीं हो पा रहा बेटा, कुछ पता नहीं क्या इशू आ रहा है ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कुछ तो एरर आ रहा है, पता नहीं क्या ही एरर आ रहा है। चलो एनीवे, ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपके AMU के रिगार्डिंग, सॉरी एटॉमिक मास के रिगार्डिंग, ठीक है। AMU के रिगार्डिंग एक चीज है बस, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ध्यान रखना, जो डायरेक्ट डेफिनेशन होता है उस पर बात कर लेते हैं कि AMU को डिफाइन कैसे किया गया है। तो देखो AMU को डिफाइन कैसे किया गया, मैं तो आपको वैल्यू बता दिया, AMU को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेटा AMU को डिफाइन किया गया है मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि C12 कार्बन एटम का मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। ऐसे इसको और भी ज्यादा बेटर तरीके से थोड़ा सा एक चीज में चेंज करता हूं, मास ऑफ 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम लगा देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा, एटम ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बिल्कुल फर्जी सा मतलब है, मतलब इतना सा है बस कि C12 कार्बन एटम, एक C12 कार्बन एटम ले लो और उसका जितना मास आ रहा है उसका 12th पार्ट कर लो, ठीक है। तो जो 12th पार्ट का जितना मास होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 AMU। तो ये डायरेक्टली डेफिनेशन वाइज ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
C12 कि C12 का एक एटम का मास जितना होगा उसका 12 गुना कम कर दीजिए, जो मास आएगा वही कहलाएगा 1 AMU। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, किसी समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? लग रहा है सर पता नहीं क्या नोबल बाउंसर जा चुका है। ओके, और किसी ने मैसेज किया सर रिद्धिमान ने, सर एटॉमिक मास तो रेशियो ऑफ मासेस होता है, फिर उसका यूनिट कैसे होगा? बेटा ये किससे, रेशियो ऑफ मासेस नहीं होता एटॉमिक मास, एटॉमिक मास रेशियो ऑफ मासेस नहीं होता बेटा, एटॉमिक मास नंबर एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। वो मास नंबर क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो बिल्कुल मतलब नंबर है, वो मास नंबर है। मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, मास जो है वो रेशियो थोड़ी होता है, ठीक है? ओके, अमृत बोला सर C12 का मास क्या होता है, ठीक है? तो बेटा C12 का मास आप यहाँ से डायरेक्टली ध्यान रख लो, C12 का मास क्या होता है, C12 का मास होता है 12 AMU। तो C12 का मास होता है 12 AMU, अगर इसको ग्राम में आप बोलना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो 12 × 1/NA ग्राम। अब इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इस Na का यहाँ पे क्या लेना देना है, मोल से क्या लेना देना, बट उतना नहीं जा रहा मैं, कभी फुर्सत में मैं समझा दूंगा कि इस देखो मोल्स और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है? मोल से ही ये डिराइव होके आया हुआ है, Na से ही डिराइव होके आया, कैसे है कभी फुर्सत में बता दूंगा मैं, ठीक है? बहुत लोग जो सोच सकते हो एक बार सोच के देखना, मैं समझा दू, एक लाइन में मैं बता देता हूँ कैसे। कार्बन एटम का अगर तुमने 12 ग्राम लिया तो 1 मोल कहलाएगा, 1 मोल में कितने एटम होंगे, तो सर Na एटम होंगे, तो Na एटम होंगे तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 12 ग्राम डिवाइड बाई Na, तो 12 डिवाइड बाई Na ग्राम, ये कितने का मास हुआ, एक एटम का मास हो गया था। 1 मोल का मास 12 ग्राम, 12 ग्राम में कितने एटम, Na एटम, तो एक एटम का मास कितना हो गया, 12 बाई Na ग्राम, खेल खत्म। अब ये जो हुआ ये एक एटम का मास हो गया, ठीक है? तो एक AMU कैसे डिफाइन है, इसका 12th पार्ट, इसको डिवाइडेड बाई फिर से 12 कर दो फर्दर, 1/12, जैसे ही इसको फिर से करोगे तो अपने को क्या बचेगा, 1/NA ग्राम। ये भी डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि सर 1 AMU = 1/NA ग्राम आपने कैसे बताया था, ठीक है? अगर ध्यान हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ये डायरेक्टली याद रखो, इसमें कोई समस्या नहीं है, चलेगा? अभी भी किसी को समस्या है लगता है, पता नहीं नोबल बाउंसर यॉर्कर जा चुका है, समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा AMU क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं मास नंबर पे, ठीक है? जस्ट अभी किसी ने पूछा था तो मैं उस पर आ जाता हूँ, मास नंबर। अब जो आप मास लिखते हो ना ऑक्सीजन का 8 और ये सब जितना लिखते हो, दैट इज सिंपली मास नंबर, ठीक है? तो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल से निकाल रहे थे, ठीक है? और मास नंबर और इसका यूनिट क्या होगा, सर मास नंबर का जो यूनिट होगा वो सिंपली क्या रहेगा, AMU होगा। ये ध्यान रखना, मास नंबर का यूनिट AMU होता है, नंबर है बट ये एक्चुअल में क्या, एक तरीके से मास बताता है, नहीं भी यूज करो तो कोई समस्या नहीं, बट ध्यान रखना, ठीक है? तो सिंपली मास नंबर क्या है आपके पास, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और यही बात करते हैं अपन, ठीक है? इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है? मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं सर, 6, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 6, कितना हो गया, 12, ठीक है? मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होता है सर, 0, प्रोटॉन कितना होता है, 1, मास कितना हो गया, 1, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया। हीलियम का मास नंबर कितना होगा सर, 2+2, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना हो जाएगा, 4। इतने में किसी को समस्या है कि सर मास नंबर समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा जो ये कहना चाहता है कि सर मास नंबर क्या चीज है, समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं मास नंबर पे फटाफट, इसको लिख लीजिएगा बेटा, और एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है इफ मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज 23, ठीक है? क्वेश्चन है इफ मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज 23 एंड, ये लिख दे रहा हूं मैं, एंड एटॉमिक नंबर इज 11,
मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11 है. कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट. इसमें बताइए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे. बेटा फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. आपको मास नंबर दे दिया है 23, एटॉमिक नंबर दे दिया है 11, बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा. बहुत लोग धड़ाका के आंसर दे रहे हैं, सर 12 12 12 12 12 12. ठीक है, तो अपने को पता है मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन होता है बेटा. तो एम बराबर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन. ठीक है, ये कितना दिया है 23. न्यूट्रॉन कितना होता है पूछा है, नहीं पता. प्रोटोन कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है. पहले ही पढ़ चुके, दोबारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बट स्टिल एटॉमिक नंबर बोले या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले, बात क्या है, सेम है. 11 तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आकर माइनस कर दिया तो 12 आ गया. ठीक है, मास नंबर की जगह बहुत बार एक और भी टर्म यूज कर लेता है. ठीक है, अब देखो, चलो किसी टर्म पे नहीं जा रहा, मैं सिंपल सा बात करता हूँ. मास नंबर बोले, एटॉमिक मास बोले, वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है. अगर बोलेगा इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा, सर 23. मास नंबर कितना होगा, 23. बस एटॉमिक मास बोला तो एमयू यूज करते हैं, नंबर बोलता है तो हम नॉर्मली यूनिट यूज नहीं करते, बस इतना सा का फर्क है. ठीक है, बट ये नहीं इसका मतलब कि यूनिट होता नहीं है. हाँ, इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बोलो कि सर समस्या समझ में नहीं आई, वरना अपन आगे बढ़ेंगे. कोई ऐसा है जिसको इतने में, अच्छा रिदिमा बोलिए सर 12 सोडियम है क्या, आप भी मजाक कर रहे थे. हाँ बेटा ठीक है, सही बात है, ये एलिमेंट कौन सा था, सोडियम था. अब आपसे इस क्वेश्चन को मैं आगे पूछता कि बताइए इस ये एलिमेंट जो पीरियडिक टेबल में उसका पोजीशन बताइए, बट मैंने आपसे नहीं पूछा क्योंकि पीरियडिक टेबल आप नहीं पढ़े हो, तो इसलिए मैं ये पूछता जरूर आपसे कि बताइए इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है. ठीक है, तो आप फटाफट बोल देते सर सोडियम है, पोजीशन क्या होगा, तो सर थर्ड पीरियड ग्रुप कौन सा होगा, तो सर फर्स्ट ग्रुप होगा. ठीक है, चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करने की तरफ चलते हैं. बताइए इतने में कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई तो फटाफट पूछ लिए बेटा, वरना आज की अपन सभा समाप्त करें. चलिए ठीक है, तो ये अजम्पशन लेते हुए कि आज की चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, अभी मैं आपको होमवर्क्स नहीं दे रहा, जब थोड़ा सा क्लास रेगुलर हो जाएगा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, अभी होमवर्क्स नहीं दे रहा. ठीक है, बट आपके पास कोई बुक है, कुछ नहीं है तो एनसीईआरटी तो है, तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या कोई स्टैंडर्ड बुक है, कोई मॉड्यूल है आप सॉल्व कर सकते हैं, आरसी मुखर्जी, नरेंद्र अवस्थी, या कोई भी बुक जो आप, या अरिहंत, कोई भी आप बुक ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, कोई मना नहीं है. किसी इंस्टीट्यूट का आप मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई मना नहीं है. कोई भी डाउट हो कहीं का भी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है. ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे. यहां तक जितना पढ़ाया उतने को अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा. चलिए ठीक है, ओके. अभ्यादित बोल रहा है सर साइड बुक कौन सा, बेटा कोई भी आप साइड बुक, मैंने बताया आरसी मुखर्जी आप यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, आप नरेंद्र अवस्थी यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, बट एडवांस वाले होंगे तो आरसी मुखर्जी जाना, अदरवाइज नहीं जाना. ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहो तो बहादुर भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है यार, और अरिहंत ले लो, सिंगेज ले लो, लेकिन सिंगेज और ये सब है तो थोड़े अच्छे लेवल के बुक है, थोड़ा सा मीडियम लेवल चाहिए तो ओपी टंडन भी यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं. ओपी टंडन इज वेरी गुड. सर अवंती में क्या है, अवंती में सर अवंती में ए फैक्टर है क्या, मेरे को समझ में नहीं आया बेटा क्या कहना चाहते हो, सर अवंती में ए फैक्टर क्या है, ओके. एक चीज बेटा हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मैंने बुक्स बोल दिया इसका मतलब आप लोग बहुत ये हो गए होंगे सर बुक बुक बुक, पहली चीज हमेशा है वो है आपका मॉड्यूल. कुछ भी सॉल्व करने से पहले आप मॉड्यूल और एनसीईआरटी, ये आपका दो मस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल और एनसीईआरटी आपको एट एनी कॉस्ट सॉल्व करना ही करना है. केमिस्ट्री में खास करके, दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री में खास करके, दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको मॉड्यूल करना है, लेकिन बहुत जगह एनसीईआरटी लोग प्रेफर नहीं करते. मैथ्स में नॉर्मली, मैंने जब पढ़ा है तो नॉर्मली एनसीईआरटी बहुत कम सॉल्व करते थे. ठीक है, बट केमिस्ट्री में आपको मॉड्यूल और एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसके बाद ही आपके पास कोई बुक आती है, याद रखिएगा, कोई बुक या कोई भी चीज, पहले मॉड्यूल एनसीईआरटी तब कोई चीज. ठीक है, चाहे जेई वाले हो चाहे नीट वाले हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है. चलिए ठीक है,
इसी के साथ अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। किसी को कुछ और पूछना है बेटा? किसी को और कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट है? अब आदित्य बोला सर बाय, अब बहुत हो गया, भूख लग गया हमको। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। चलो टाटा बाय बाय।